subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो ये टेबल हमारे पास अवेलेबल है, एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसके अंदर हमने बहुत सारी एंट्रीज स्टोर करवा रखी हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं व्यू के बारे में, है ना। जिस प्रकार से टेबल आपका एक स्ट्रक्चर है उसी प्रकार व्यू हम क्रिएट करते हैं एसक्यूएल के अंदर, और व्यू जो है वो किसी टेबल के ऊपर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो मेनली व्यू का जो सिंटेक्स है देखो वो क्या रहने वाला है, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले व्यू, व्यू का सिंटेक्स रहेगा हमारा, सबसे पहले हम व्यू क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल के लिए भी हम क्रिएट कमांड यूज करते हैं, व्यू के लिए भी हम क्रिएट कमांड यूज करते हैं। सो क्रिएट और रिप्लेस भी आप लिख सकते हो, या क्रिएट भी कर सकते हो और रिप्लेस भी कर सकते हो पहले से बने हुए व्यू को, और रिप्लेस, ठीक है। आगे हम लिखते हैं, जैसे क्रिएट के बाद हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल लिखते हैं, व्यू क्रिएट करते हैं तो व्यू लिखते हैं, ठीक है। क्रिएट व्यू, उसके बाद हमें व्यू का नाम देना होता है, व्यू नेम, ठीक है। ये चीज अपने को मेनली सिंटेक्स के अंदर यूज करनी। टेबल होती है तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल एंड टेबल का नेम, व्यू होता है तो क्रिएट व्यू और व्यू का नेम, ठीक है। तो ओनली चेंज क्या हुआ, टेबल की जगह व्यू हमने लिखा है। इसके अलावा एक चेंज इसमें और है, देखो यहां पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, एज सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, टी स्टेटमेंट, ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, एंड देन कुछ ऑप्शनल एरिया यहाँ पे और हो सकता है, जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं विद रीड ओनली, है ना, इसको हम केवल रीड ओनली बना सकते हैं, उसमें हमें कोई चेंज, अगर कोई चेंज नहीं कर सके इसलिए हम इसको रीड ओनली भी बना सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है यूज कर भी सकते हो रिक्वायरमेंट हो तो, और नहीं रिक्वायरमेंट हो तो कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो अब हम इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग एक व्यू हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स को एक बार पढ़ा रहने देता हूँ, और यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं क्वेरी को, क्रिएट, ठीक है, और सीधा अपने को क्या लिखना है, टेबल की जगह व्यू लिखना है, व्यू, और इसका नेम मैं दे देता हूं, एम्प्लॉय टेबल पे हम कर रहे हैं तो emp_view, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया इसका, ठीक है। एज फिर हम सेलेक्ट यूज करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हम सभी कॉलम्स को ले लेते हैं, स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हमारा ईएमपी था, ठीक है, वेयर सैलरी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3000, जिनकी सैलरी 3000 से ज्यादा है उन सभी एम्प्लॉयज के लिए हम इस टेबल पे एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको सिंटेक्स को हटा देता हूं यहां से, फिर अपने इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ओके, एसक्यूएल कमांड नोट प्रॉपरली एंडेड, ओके, वी हैव टू चेक दिस कि हमने प्रॉपर, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलोन की जगह कॉलोन लग गए, ओके, नो प्रॉब्लम,
व्यू क्रिएटेड, है ना, हमने व्यू जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो ये मेनली व्यू को क्रिएट करने का प्रोसेस था। जिस प्रकार से हम टेबल को क्रिएट करते हैं उसी प्रकार से हम व्यू को क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट टेबल एंड टेबल का नेम लिखते हैं, व्यू क्रिएट करते हैं तो हम क्रिएट व्यू एंड देन व्यू का नेम लिखते हैं। ठीक, इसके साथ साथ हम एज कीवर्ड के साथ एक सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसमें हम उन सभी रो को टेबल से सेलेक्ट करते हैं जिनको हमें पर्टिकुलर इस व्यू के अंदर इंक्लूड करना होता है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।